स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। ये है रॉयल इनफ्लिट 350 cc मॉडल बाइक है। इस बाइक का प्रॉब्लम हुआ है, तेल माइलेज कम देता है, जैसे कि बाइक चलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और प्लग कचरा हो जाता है, प्लग शॉर्ट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एयर फिल्टर मैं चेक करूंगा और कार्बोरेटर मुझे चेक करना पड़ेगा और प्लग चेक करना पड़ेगा। तो मैंने प्लग को लगा दिया है, ये ओल्ड प्लग है, मेरा ओल्ड प्लग है, मैं इसे नया लगाऊंगा और बाइक में सेटिंग कर दिया है नया प्लग और कार्बोरेटर भी वॉश कर दिया है, लेकिन एयर फिल्टर ओल्ड ही है, मैं बाद में लगाता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ। दोस्तों चेक करने से पहले मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देता हूँ, जो बाइक का एयर फिल्टर होती है सबसे महत्वपूर्ण हर कोई बाइक का, और इस बाइक का भी एयर फिल्टर थोड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे एयर कम जा रहा है और पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से इस एयर फिल्टर को चेंज कर देना चाहिए। इस एयर फिल्टर का कारण ही तेल माइलेज कम देता है और बाइक में पॉल्यूशन आता है और प्लग दोनों जो होती है वो काला हो जाता है और प्लग शॉर्ट हो जाता है इस कारण से। तो मैंने एयर फिल्टर नया लगा दूंगा इस बाइक पर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ट्यूनिंग एडजस्ट कर लूँगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ किस तरह से करें। ये बाइक बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसका इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ है। इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ है, माइलेज ज़्यादा पीता है, जैसे कि पेट्रोल ज़्यादा खाता है बाइक में। तो इसके लिए मुझे एयर फिल्टर चेंज करना पड़ेगा और कार्बोरेटर का अच्छा से ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इस एयर फिल्टर को नया लगा दूंगा और फिनिशिंग करने के लिए बाइक का जो ट्यूनिंग होती है उसे मैं एकदम बिल्कुल ट्यूनिंग करूंगा लास्ट फिनिशिंग में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एयर फिल्टर और 161 रुपये दाम है इसका कीमत, इसे मैं नया लगाता हूँ, क्योंकि एयर फिल्टर का कारण ही बाइक का माइलेज कम देता है और परेशान भी होता है। तो चलो एयर फिल्टर को मैं नया लगा देता हूँ। देखो इसका अंदर छेद बंद हो चुकी है और ये खराब हो चुकी है, ये ओरिजिनल जेनुइन है, इसे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। टैंकी तो लगा रहे, तो चलिए इस बाइक का मैं ट्यूनिंग भी कर लेता हूँ स्टार्ट करने के बाद। इसका ट्यूनिंग जब करेंगे तो इसका माइलेज जो फाइनल है मैं इसे कम कर देंगे और इसका प्लग भी सादा हो। तो दोस्तों चलो मैं ट्यूनिंग करता हूँ। ये RPM का नॉट है, इसे मैं हाई कर देता हूँ, जैसे 30 पे बाइक है उसी तरह मैं कर देता हूँ, RPM मीटर नहीं है। तो मेरा बाइक जैसे कि 30-40 पे चल रहा है उसी तरह मैंने कर दिया RPM नॉट को हाई। अब मैं इसे एडजस्ट करूँगा, ये यार स्क्रूप है, तेल स्क्रूप नॉट, इसे मैं हाई लो करके देखूंगा कहां पर मेरा सबसे ज़्यादा RPM आता है उसी जगह ला गए मैं छोड़ दूंगा, बस बाइक का माइलेज कम जाएगा और तेल माइलेज ज़्यादा देगा। तो दोस्तों इसी तरह ट्यूनिंग करते हैं, इसी तरह काम करते हैं। अगर आपके बाइक में कोई भी प्लग बार बार शॉर्ट होती है तो इसी तरह काम कीजिए, आपका बार बार प्लग शॉर्ट नहीं होगा और तेल माइलेज भी ज़्यादा आ जाएगा और बिल्कुल अच्छा चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह काम करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। अगर आप इसी तरह वीडियो पाना चाहते हो तो हमारा बेल आइकन को जरूर दबाइए कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो इसका पिकअप भी ठीक आ गया और ये ठीक झटका भी नहीं देता है और बाइक एकदम ठीक हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।